हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान, इसमें हम पढ़ रहे हैं आज स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। किसी भी चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए किसी न किसी संस्था, किसी न किसी निकाय, किसी न किसी आयोग की आवश्यकता होती है। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग में हम पढ़ेंगे कि इसके कैसे कार्य हैं, क्या क्या इससे संबंधित है। हमें बस दो ही आर्टिकल देखने हैं, 324, जो ये उल्लेख करता है कि स्वतंत्र और निर्वाचन करवाने का, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य किसके पास है, निर्वाचन आयोग के पास है। 324 फर्स्ट इसमें उल्लेख है कि निर्वाचन आयोग को ये कार्य दिया गया है कि वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर सरकार, राज्य विधानसभाओं, इन सब के चुनाव अपने स्वतंत्र आधार पर वो करवा सकता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि निर्वाचन आयोग ही स्वतंत्र नहीं होगा तो वो चुनाव भी स्वतंत्र रूप से नहीं करा सकता है। इसके लिए स्वतंत्र चुनाव हो सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। अब ये हम देखें, निर्भारत में निर्वाचन दो स्तर पर है। निर्वाचन आयोग कितने स्तर पर है? दो स्तर पर। एक तो वह जो केंद्र वह राज्यों के चुनाव करवाता है, केंद्र वह राज्यों के क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। इसमें केंद्र के चुनाव के लिए ये निर्वाचन आयोग है ही, राज्यों में अलग से निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है। निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का सभी कार्य देखता है, या यूं कहें उनके एक सहयोग के लिए ये रहता है ताकि कभी भी जरूरत पड़े या उसके सहायक के रूप में ये कार्य करता है। ये राज्य का सारा निर्वाचन से संबंधित कार्य भी देखता है। अब इसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए, स्थानीय चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। स्थानीय चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। स्थानीय चुनाव राज्य स्तर की संस्थाएं करवाती हैं, राज्य सरकार करवाती है। जैसे सरपंचों के चुनाव हैं, अब सरपंच की बात करें, पंचायतों की बात करें, तो पहले पंचायतों के चुनाव निश्चित रूप से होते ही नहीं थे, या यूं कहें पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। बाद में 73वां संविधान संशोधन आया, 73 और 74 संविधान संशोधन आया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था की गई और नियमित रूप से पंचायती राज के चुनाव होने लगे। यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे? पहला, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्यों जरूरी है? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग इसलिए जरूरी है ताकि चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से हो सके और जो चुनी जाने वाली सरकार है उस पर कोई किसी प्रकार का लांछन ना हो और निष्पक्षता से सरकार चुनकर आए। स्वतंत्र चुनाव आयोग का दूसरा कार्य यह है कि यह दबाव रहित कार्य कर सके। कारण क्या है आप देखें, इसमें एक बहुत बड़ा समस्या सामने आती है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग यदि नहीं होगा तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आप जानते हैं राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? पीएम और मंत्री परिषद, यानी कि सरकार की सलाह से कार्य करता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष का मामला आ सकता है या सरकार को फायदा पहुंचाने का काम ये कर सकता है। इसीलिए इसमें एक और चीज जोड़ी गई कि विपक्ष का जो नेता होगा उसकी सलाह भी इसमें ली जाएगी। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे इसके लिए विपक्ष के नेता की भी सलाह होगी ताकि विपक्ष का भी ट्रस्ट उस पर बना रहे। इसीलिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में निम्न कार्य किए गए हैं। पहला, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री इससे सलाह देता है और विपक्ष के नेता का सहयोग इसमें होना चाहिए, राय उसकी होनी चाहिए। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट के जज से भी सलाह ली जाती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करे
इसके लिए भारत के संविधान में न्यायालय ने भी सहमति जाहिर की है कि न्यायालय भी चाहता है कि भारत का संविधान निष्पक्षता से बना रहे, इसलिए चुनाव भी निष्पक्षता से होने चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग किस प्रकार के चुनाव करवा सकता है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवा सकता है, ये कितने स्तर पर पाया जाता है, दो स्तर पर, केंद्रीय और राज्य। लेकिन है कौन सा, वास्तव में केंद्रीय ही है, उसी का एक भाग इस तरीके से कहें तो राज्य में भी उसका एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाता है जो केंद्र की सहायता के लिए होता है। लेकिन स्थानीय चुनाव ये निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, ये कौन करवाती है, राज्य की सरकारें करवाती हैं, अपने सुविधा अनुसार करवाती हैं और इसमें पूरा प्रशासन राज्य का ही होता है। इसमें देखें निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया है, तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए जो निर्वाचन आयुक्त तो होता है, निर्वाचन आयुक्त जो पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के, सुकुमार सेन। इनकी आयुक्त की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति संबंधित होता है, सरकार की सलाह होती है राष्ट्रपति के पास और विपक्ष का भी इसमें क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। इससे क्या रहेगी, पारदर्शिता बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब आप देखते हैं कि भारत में एकल निर्वाचन आयोग भी बना है, क्या बना है, एकल निर्वाचन आयोग भी बना है जिसका सदस्य केवल कैसा था, एक ही सदस्य रहा। इसके बाद इसमें तीन सदस्य भी रहे हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए जब तीन सदस्य रहे तो तीनों की शक्ति कैसी है, समान है। तीनों की शक्ति कैसी है, समान है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसे मुख्य इसलिए बनाया गया है ताकि वो खुलकर निर्णय ले सके, लेकिन शक्तियां कैसी हैं, समान है, इसलिए है ताकि वो केंद्रीय दादागिरी ना कर सके, केंद्रीय सेंट्रलाइजेशन ना कर सके, या यूं कहें कि अपना एक तरफा मोर्चा वो ना खोल दे। इसीलिए जितने सदस्य, तीन सदस्य, त्रिस्तरीय निर्वाचन आयोग होता है, एक स्तरीय निर्वाचन आयोग भी रहा है, एक में तो एक व्यवस्था रहेगी, एक ही निर्णय लेने वाला रहेगा, उसकी सहायता के लिए पूरा आयोग होगा। लेकिन जब तीन स्तरीय निर्वाचन आयोग रहा है जिसके सदस्य तीन रहे तो इसमें मुख्य तथा दो जो सहायक है उन तीनों की शक्तियां क्या हैं, बराबर बराबर हैं। तीनों के निर्णय लेने की क्षमता भी कैसी है, बराबर बराबर है। लेकिन मुख्य इसलिए बनाया गया है ताकि आसानी से और त्वरित निर्णय लिए जा सके। तो निर्वाचन आयोग का ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इसके बाद यदि हम बात करें तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य में प्रमुख कार्यों को देखें तो इसमें कार्य है चुनाव करवाना, मतदाता सूची तैयार करना, आदर्श आचार संहिता लगवाना, चुनाव चिन्ह, बांटना, चुनाव के दौरान प्रशासन संभालना, या यूं कहें प्रशासन देखना, या यूं कहें ट्रांसफर वगैरह सब कुछ निर्वाचन आयोग के अधीन ही होगा। इस समय बजट भी अलग से नहीं मिलेगा, बजट का कार्य भी चुनाव के दौरान कौन देखता है, निर्वाचन आयोग ही देखता है। तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बना रहे इसके लिए इस चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग को ये निम्न कार्य दिए गए हैं। इसमें क्या है,
चुनाव कराने की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है। मतदाता सूची तैयार करने का कार्य भी किसका है? निर्वाचन आयोग का है। अभी एक एप्लीकेशन भी चल रहा है वोटर हेल्प, वोटर हेल्प के नाम से चल रहा है, इस पर आप भी स्वयं भी अपनी वोटर आईडी का करेक्शन कर सकते हैं, मतदाता सूची में ऑटो अपडेट हो जाएगा। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तब फील्ड में जाकर हाथ से और यू कैन फिजिकली डेटा कलेक्ट किया जाता था। आज भी फिजिकली डेटा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मामले ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो मतदाता सूची को तैयार करने का कार्य कौन कर रहा है? निर्वाचन आयोग का काम है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, अभी बिहार में चुनाव है और आप जानते हैं प्रत्येक राज्य अपनी सरकार, प्रत्येक दल अपने राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहता है। प्रत्येक दल का मुख्य कार्य है सत्ता में शामिल होना, सत्ता हासिल करना और उसके बाद शासन अपने अनुसार चलाना। प्रत्येक सरकार जो अभी वर्तमान में है वो अंतिम क्षण में लोगों को लालच देना चाहती है, बड़े बड़ी योजनाएं लाना चाहती है, लोगों को आकर्षित करना चाहती है। उसका फायदा क्या होगा कि लोग बहुत आसानी से उन्हें वोट दे देंगे, लेकिन ऐसे आकर्षक ऑफर्स को ना लाया जा सके, मतदाताओं को भ्रमित नहीं किया जा सकता, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए और आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है कि इस दिन के बाद सरकार कोई भी लाभ का निर्णय नहीं ले सकती। सरकार केवल सामान्य प्रशासन चलाएगी, वो भी किसके निर्देशन में? स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के अनुदेशन में शासन चलेगा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला किसके आदेश पर होगा? निर्वाचन आयोग के आदेश पर होगा। कोई भी मंत्री सरकारी गाड़ी यूज नहीं कर सकता, सरकारी कार्य में भागीदारी नहीं निभा सकता। अब अंतिम निर्णय किसके अधीन होंगे? निर्वाचन आयोग के अधीन ही होंगे। सरकार चाहकर भी अपने अधिकारियों को अपनी फील्ड में नहीं लगा सकती, अपनी सहायता के लिए शामिल नहीं कर सकती। आदर्श आचार संहिता में निर्वाचन आयोग चाहे तो अपने अनुसार जब जहां जिसे चाहे लगा सकता है, किसी भी आईएएस से लेकर एक फोर्थ क्लास चपरासी तक के ट्रांसफर ये लोग कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अधीन पूरा प्रशासन आ जाएगा, पूरा सिस्टम जो शासन का है वो उसके अधीन ही काम करेगा। निर्वाचन आयोग को लगता है कि संबंधित अधिकारी चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग उस अधिकारी का वहां से ट्रांसफर भी कर सकता है। आदर्श आचार संहिता में चुनाव की नियमावली भी निश्चित की जाती है, कौन व्यक्ति कितने समय तक चुनाव का प्रचार करेगा, चुनाव प्रचार की सीमाएं क्या होंगी, कोई किसी प्रकार का लालच तो नहीं दे रहा है, किसी प्रकार की धमकी तो नहीं दे रहा है। निर्वाचन आयोग लगातार ऐड भी करता है कि आपको कहीं भी किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्र होकर मतदान करना है। बहुत सारे दल मदिरा पान है, पैसा बांटना है, बहुत सारी चीजें देना है और उससे मतदान को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। निर्वाचन आयोग इन सभी चीजों की देखरेख करता है, किसी भी तरीके से कोई भी दल मतदाता को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो मतदाता की कंप्लेंट पर या किसी अन्य विपक्षी दल की कंप्लेंट पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई करता है। चुनाव चिन्ह बांटना, प्रत्येक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, प्रत्येक दल को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह का आवंटन, पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन, पार्टी का रजिस्ट्रेशन सभी कहाँ होते हैं? निर्वाचन आयोग में ही होते हैं। निर्वाचन आयोग ये घोषित करता है कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा दल राज्य दल है, ये लगातार बदलते रहते हैं। चुनाव में किस दल को कितना मत मिला है, कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, ये तय करेगा कि वो दल राष्ट्रीय है या राज्य दल है। प्रत्येक दल का रजिस्ट्रेशन निर्वाचन आयोग में ही करवाना होता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही करता है। चुनाव के दौरान प्रशासन की देखरेख भी किसके अधीन होती है? निर्वाचन आयोग के अधीन ही होती है। निर्वाचन आयोग पूरा इसे कंट्रोल करता है और पूरे प्रशासन को ये देखता है। बजट आप देखें, चुनाव में बहुत भारी खर्चा होता है, ये संपूर्ण खर्चा चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए अलग से लेता है
और सरकारी खजाने से इसका आवंटन अलग से कर लेता है, फिर उस खर्चे से वो चुनाव को कंडक्ट करवाता है। ये बहुत बड़ी भारी रकम होती है। इसमें आगे देखें तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति या सदस्यता को भी निश्चित किया गया है। 1989 से पहले, 1989 से पहले निर्वाचन आयोग कैसा था? एक सदस्य आयोग था। ये आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग 1989 से पहले कैसा था? एक सदस्य निर्वाचन आयोग था। 1989 से ठीक पहले यानी कि 89 के चुनाव में इसमें दो सदस्य और शामिल कर दिए गए और कुल सदस्य कितने हो गए? तीन सदस्य इसमें हो गए। 89 से पहले तक कितने सदस्य थे? एक। 89 के चुनाव में कितने सदस्य हो गए? तीन। दो अन्य सदस्य इसमें जोड़ दिए गए, टोटल कितने हो गए? तीन। लेकिन 89 के चुनाव के ठीक बाद इसमें से दो सदस्य वापस निकल गए और कितने सदस्य ये रह गया? एक सदस्य ये रह गया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो बदलाव हुए वो 89 से ठीक पहले और 89 के ठीक बाद हुए। 89 से पहले कैसे सदस्य थे? एक। 89 के बाद 89 वाले चुनाव में कैसे हो गए? तीन। और 89 के बाद वापस क्या हो गया? एक सदस्य इसमें हो गया। चुनाव से पहले एक सदस्य थे, चुनाव में कितने सदस्य हुए? तीन। और चुनाव के बाद वापस कैसा हो गया? एक। 93 में वापस एक में वापस दो जोड़ दिए गए और कुल सदस्य कितने हो गए? तीन। जो आज भी तीन सदस्य ही इसके हैं। इसलिए एक पर सवाल उठे कि एक अपनी दादागिरी भी कर सकता है, वैसे तो बैलेंस की स्थिति होती है, लेकिन तीन निर्वाचन आयुक्त होने से कार्य बहुत आसानी से और निष्पक्षता से संभव हो सकता है। सवाल आएगा, चुनाव आयोग सर्वप्रथम या यूं कहें मूल निर्वाचन आयोग जो था उसके आयुक्त की संख्या कितनी थी? तो एक थी। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की संख्या पहली बार कब बढ़ाई गई? 39 के चुनाव से ठीक पहले बढ़ाई गई। 89 के चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग के आयुक्त की संख्या कितनी थी? एक। घटाकर वापस कितनी कर दी गई? एक कर दी गई। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की जो सदस्यता है तीन, वो कब से है? 93 से। वापस से इसको दो जोड़ दिए गए और वापस कितनी संख्या इसकी हो गई? त्रिसदस्य ये व्यवस्था हो गई। ये सारे काम इसलिए किए गए हैं कि निष्पक्ष चुनाव संभव हो सके। मूलतः निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानसभा, मूलतः निर्वाचन आयोग संसद, राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। मूलतः मेन कार्य इसका यही है कि वो संसद के चुनाव करवाएगा, विधानसभाओं के चुनाव करवाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा। इनसे संबंधित सारे कार्य वो करेगा। आपको याद होना चाहिए विवाद की स्थिति में इसमें कौन आ जाएगा? न्यायालय आ जाएगा और अंतिम निर्णय किसका होगा? न्यायालय का ही होगा। इसमें इंदिरा गांधी का चुनाव बहुत प्रसिद्ध है, 1971 वाला, जिस पर आरोप लगे थे कि इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रशासन का अपने चुनाव में कहीं ना कहीं लाभ लेने का कार्य किया था, या यूं कहे चुनाव को अपनी साइड मोड़ने का काम इन्होंने किया था। बाद में 1974 में जब इसका फैसला आया तो इंदिरा गांधी के निर्वाचन पर कहीं ना कहीं क्या लगा दी? रोक लगा दी और उन्हें अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया। जब ये सांसद ही नहीं रहे तो प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आशंका जाहिर की जाती है कि इनके प्रधानमंत्री पद पर लांछन लगे या यूं कहे प्रधानमंत्री पद ना चला जाए, इसीलिए इन्होंने आपातकाल जैसे निर्णय इन्होंने लिए। इंदिरा गांधी जैसे आरोप बहुत सारी जगह लगे, राजस्थान में भी आपने देखा होगा सीपी जोशी साहब जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके चुनाव को भी बड़ा ड्रामा सिस्टम हुआ था, एक वोट का चक्कर इनमें पड़ा, बाद में पता लगा कि ये हार गए हैं और विपक्ष इनसे जीत गया है, जबकि पहले ये जीत चुके थे।
मेन चुनाव जो हुआ उसका रिजल्ट सीपी जोशी जीत रहे थे 1 वोट से, और बाद में ये इस अंतिम निर्णय जब आया कोर्ट का तो ये हार चुके थे और विपक्षी जीत चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में विवाद हमेशा बना रहा। विवाद की स्थिति में कौन आएगा? न्यायालय आएगा। निर्वाचन आयोग के कार्य हमने पढ़ लिए, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग क्यों होना चाहिए ये पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग के सदस्य कब कब कैसे रहे ये भी हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया है।